डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए प्रकृति आपकी बहुत मदद करती है। खीरा करेला टमाटर का जूस बना करके पिए, एक खीरा एक करेला एक टमाटर, और इसको जो है मिक्सी में डाल करके अथवा जूसर से इनका जूस निकालें और एक एक कप या एक एक की ग्लास आप सुबह शाम इसको पी सकते हैं। इसमें सात फूल सदाबहार के साथ पत्ते नीम के भी आप डाल सकते हैं। डायबिटीज के लिए मेथी का पानी भी बड़ा उपयोगी होता है, अंकुरित मेथी दाने भी आप ले सकते हैं। डायबिटीज के लिए जामुन का सेवन और जामुन की गुठली का पाउडर का सेवन भी उपयुक्त होता है। जामुन की गुठली, गिलोय और चिरायता अथवा कालमेक का पाउडर भी ऐसे खा सकते हैं आप बराबर मात्रा में लेकर के, पाउडर एक एक चम्मच सुबह शाम खा लिया। गिलोय भी उपयुक्त है, चिरायता भी या कालमेक उसके अभाव में बहुत उपयुक्त है, और जामुन की गुठली का पाउडर भी एक एक चम्मच सुबह शाम डायबिटीज के रोगी खाएं तो उनको बहुत लाभ होगा। गिलोय को रात को भिगो करके अथवा कालमेघ अथवा चिरायता को रात को भिगो करके उसको सुबह पानी ही पीते हैं, उससे भी डायबिटीज कंट्रोल होती है। डायबिटीज के रोगियों के लिए जरूरी है कि जो ज्यादा मीठे फल हैं वो ना खाएं। हाँ, पपीता थोड़ा खा सकते हैं, सेब थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, और जामुन और अमरूद आदि फल भी ले सकते हैं। जो खट्टे फल हैं वो थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। शरबत डायबिटीज के रोगियों को नहीं पीना चाहिए। आप मधुनाशिनी का सेवन कर सकते हैं, दो दो गोली खाली पेट सुबह शाम मधुनाशिनी का सेवन करें। और शुगर में भी जो है जो स्वीट जो है एकदम से जाकर के नहीं घुलता, जैसे आपने मुनक्का खा लिया, आपने खजूर खाया, अंजीर खाया, उस वो धीरे धीरे जाकर के आपकी बॉडी में घुलता है, इसलिए वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। मैंने जो मीठा तुरंत जाकर के आपके शरीर में घुल जाता है उसके सेवन से आपको बचना चाहिए। शुगर खाने से डायबिटीज नहीं होती है, पेनक्रियास के डिजनरेट होने से डायबिटीज होती है, लेकिन शुगर होने के बाद शुगर की वाली चीजें ज्यादा खाने से आपको शुगर बढ़ जाती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए एक्यूप्रेशर भी बहुत मदद करता है। ये बाएं हाथ की हथेली में छोटी उंगली के नीचे जो बड़ी रेखा है उसके नीचे यहाँ ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाने से आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा और इससे आप शुगर की बीमारी से बच सकेंगे।